नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज माकाणी आपके साथ चर्चा के लिए हाजिर हूं एक बार फिर से। अगर आप होम्योपैथी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज का हमारा टॉपिक है व्हीकल्स। व्हीकल, व्हीकल का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब हस्तांतरण, प्रसारण और सौंपना, किसी को दे देना। अब हम देख सकते हैं कि हमारा व्हीकल क्या है। तो हमारा कॉमन व्हीकल है मोटरसाइकिल। तो आप क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। उसी तरह से पुराने जमाने में हम देखते थे कि व्हीकल के तौर पे घोड़े, गधे, ऊंट, बैल आदि का उपयोग होता था। तो वो क्या करते थे कि एक घोड़ा है, उसके ऊपर उन्होंने माल लाद दिया है, तो घोड़े के ऊपर माल लाद दिया मतलब अपना जो सामान था वो घोड़े को दे दिया। फिर घोड़ा क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह उस सामान को ले जाएगा। तो इसी तरह से हमारे होम्योपैथी में व्हीकल का मतलब क्या होता है? तो व्हीकल का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस है, जो दवाई के डायनेमिक पावर को यहां से शरीर के अंदर तक ले जाता है, उसको व्हीकल कहा जाता है। जिस तरह से घोड़ा सामान को एक जगह से ढोते हुए दूसरी जगह पे ले जाता है, तो घोड़ा एक व्हीकल है। कार में आप लोग बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कार व्हीकल है। उसी तरह से सुगर ऑफ मिल्क या डिस्टिल वाटर या अल्कोहल, जो दवाई का डायनेमिक पावर होता है, उसको बाहर से लेके शरीर के अंदर तक लेके जाता है, तो ये सब व्हीकल है। व्हीकल का मतलब होता है वाहन, ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, तो इसको व्हीकल बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या है, व्हीकल किसे कह सकते हैं होम्योपैथी में? मित्रों, गौर से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। जो हम ये पढ़ेंगे डेफिनेशन, वही डेफिनेशन में से सब कुछ आगे आइडियल व्हीकल की क्वालिटी में और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल के अंदर पढ़ाया जाना है। तो यही जो है वो हमने अगर समझ लिया तो व्हीकल के बारे में हम काफी कुछ समझ सकते हैं। लेकिन हमने एक अभी शब्द यूज किया डायनेमिक, कि व्हीकल वो है जो दवाई के डायनेमिक पावर को एक जगह से शरीर के अंदर दूसरे जगह पे ले जाता है। तो ये डायनेमिक का मतलब क्या होता है? तो डायनेमिक का मतलब है क्रियाशील, गतिशील और ऊर्जाशील, या तो गति उत्पन्न करने वाली शक्ति और चलायमान शक्ति, मतलब कि जो दवाई के अंदर ऐसी शक्ति है जो गति उत्पन्न कर सकती है, उसको दवाई का डायनेमिक पावर बोलते हैं। तो ये डायनेमिक पावर होता है दवाई का, इसको ये हमारा व्हीकल है, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसी को व्हीकल कहते हैं। तो अब व्हीकल की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार व्हीकल किसे कहा जाता है। तो व्हीकल्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर ऑलमोस्ट केमिकली न्यूट्रल, नॉट एसिडिक और नॉट अल्कलाइन, थेरापूटिक इनर्ट, हैविंग नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, और इफ देयर इज एनी दैट property is negligible, but they are intended to carry the dynamic power of the drug safely the interior of the living organism to fight the disease. तो ये क्या कह रहे हैं कि vehicle एक ऐसा substance है, एक ऐसा तत्व है कि जो acidic भी नहीं है और alkaline भी नहीं है, मतलब neutral है, जिसकी कोई भी therapeutic action नहीं है। therapeutic मतलब चिकित्सा की action। कई ऐसे सब्सटेंस हैं कि जिनकी खुद की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम व्हीकल में कम यूज करते हैं या तो नहीं करते हैं। मतलब केमिकली जो न्यूट्रल है, जो थेरापूटिक इनर्ट है और जो दवाई के डायनेमिक पावर को यहां से शरीर के अंदर ले जाने की शक्ति रखता है, उस तत्व को हम व्हीकल कहते हैं। तो ये व्हीकल की डेफिनेशन है। अब व्हीकल का यूज कहां होता है, ये गौर से सुनिए, यही आगे दूसरे क्वेश्चन में आएगा, यूजेस ऑफ व्हीकल। और पर्टिकुलर हर एक व्हीकल है कि सुगर ऑफ मिल्क है, डिस्टिल वाटर है, अल्कोहल है, तो उसमें यही यूजेस बार बार होने हैं। दे आर द मीडियम ऑफ प्योरिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आइदर बाय ओरल और ऑल्फैक्टरी रूट एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो ये क्या कहते हैं कि व्हीकल कहां कहां यूज होते हैं। तो प्योरिफिकेशन, कोई भी दवाई है, कोई भी नेचुरल सोर्स में से या आर्टिफिशियल सोर्स में से हमने दवाई लाई, तो वो जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस है उसका प्योरिफिकेशन करना है, या फिर हमने जो दवाई पोटेंटाइज करके बनाई है उसका प्योरिफिकेशन करना है, कुछ भी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है तो उसमें व्हीकल का यूज होता है। दूसरा, प्रिपेरेशन में,
हाँ, मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन, मदर सब्सटेंस, ये सब बनाने के लिए भी हम व्हीकल का यूज करते हैं। फर्दर पोटेंटाइजेशन 1C, 2C, 1X, 2X, 0x1, 0x2, ये सब बनाने के लिए भी हम यूज तो व्हीकल का ही करेंगे, आइदर सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और सेमी सॉलिड फॉर्म। और जब हम दवाई पेशेंट को देते हैं तो वो दवाई भी डिस्टिल वाटर में अल्कोहल बेस्ड होती है या फिर सुगर ऑफ मिल्क पे या कैन सुगर पे या ग्लोब्यूल्स पे, मतलब वो दवाई देने के लिए भी व्हीकल का ही यूज होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑइंटमेंट्स, ट्यूब, मलम, लिनीमेंट, काफी कुछ बनता है, तो वो सब चीजें होती हैं, उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहा जाता है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हम व्हीकल का ही यूज करते हैं। अब हमने आगे देख ही लिया है कि व्हीकल किसे कहते हैं, तो उसकी है प्रॉपर्टीज। अब आइडियल व्हीकल आया, आइडियल माने आदर्श, आदर्श वस्तु, आदर्श व्हीकल, आइडियल व्हीकल किसे कहते हैं। तो जो हमने डेफिनेशन में व्हीकल को बताया उसी प्रॉपर्टीज को हम आइडियल व्हीकल की प्रॉपर्टीज में लेते हैं। ये केमिकली न्यूट्रल है, थेराप्यूटिक इनर्ट है, उसका कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेडिसिन के डायनेमिक पावर को कैरी करने की क्षमता रखता है और हार्मलेस है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो हार्म नहीं करता है। तो जो भी चीजें हार्मफुल होती हैं ऐसी चीज को हम व्हीकल में यूज नहीं कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बढ़िया बात कि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, उसको प्रिजर्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्हीकल है और वो आप उस व्हीकल का आपने यूज किया लेकिन उस व्हीकल में हमारी मेडिसिन डालते ही कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर उस व्हीकल में वो मेडिसिन खराब हो गई, तो ये नहीं चलेगा। मतलब उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो प्रिजर्वेशन कर सके, मेडिसिन का डीकम्पोजिशन ना होने दे। इसके अलावा क्या है कि वो खाने लायक होना चाहिए, इडेबल होना चाहिए। हम कुछ ऐसे भी चीज हैं जो दूसरी सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं लेकिन खाने लायक ही नहीं है, तो ऐसी चीजों का हम व्हीकल के तौर पर उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं आइडियल व्हीकल के। अब यूजेस क्या होते हैं, हमने देख लिया कि यूजेस कौन कौन से हैं। पहला यूज है प्रिपेरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन और मदर सब्सटेंस। ये तीनों मदर प्रिपेरेशन है। मदर टिंचर किसे बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या केमिकल किंगडम में से, तो उन कोई भी सब्सटेंस है उनको अल्कोहल के बेस पे उनका अगर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसको मदर टिंचर बोलते हैं। अगर वो है वो सॉल्यूबल है, मतलब उसको गुलाया जाता है उसमें, तो उसको मदर सॉल्यूशन बोलते हैं, लाइक मदर सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल और मदर सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट, तो उसको मदर सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब डिसॉल्व किया जाता है। और तीसरा है मदर सब्सटेंस, जो ऐसे तत्व हैं कि जो अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उन सब्सटेंसेस को ट्राइचुरेशन की प्रोसेस की जाती है सुगर ऑफ मिल्क के साथ और उसको बोलते हैं मदर सब्सटेंस। मदर टिंचर माने जो अल्कोहल द्वारा बनाया गया मदर सॉल्यूशन, मदर सॉल्यूशन माने जिसको पानी के अंदर घुलाया गया है और उसके आगे उसका पोटेंटाइजेशन किया जा रहा है, और मदर सब्सटेंस माने जो घन चीजें या तो जो घुल नहीं सकती हैं ऐसी चीजों के लिए सुगर ऑफ मिल्क का उपयोग करके बनाया हुआ सॉल्यूशन। तो पहला यूज व्हीकल का ये है कि मदर सब्सटेंसेस बनाने के लिए। दूसरा यूज फर्दर ट्राइचुरेशन एंड पोटेंटाइजेशन। तीसरा एज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, यस लिनीमेंट, ऑइंटमेंट, ये सब बनाने के लिए। व्हीकल लाइक वैसलीन, ग्लिसरीन एज यूज एज अ अप्लाइड एक्सटर्नली। आप सब ने देखा होगा कि वैसलीन जेली का यूज हम करते हैं मुंह में छालों के लिए, ग्लिसरीन का यूज भी होता है, तो वो एज अ सेपरेट भी उनका यूज है। प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल जैसा व्हीकल है वो कुछ मात्रा में उसके अंदर डाला जाता है। जब क्रूड ड्रग हैं जो हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं तो उसको स्टोर करना होता है, तो कुछ मात्रा में अल्कोहल डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है। सबसे बढ़िया वाला यूज फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ द पेशेंट। आपके पास पेशेंट आया है, उसको दवाई देनी है, तो दवाई किस तरह से देंगे, व्हीकल के ऊपर, उसका बेस भी व्हीकल होगा। जो सिक बेबी है उनको डाइट के लिए सुगर ऑफ मिल्क भी दिया जाता है। और सबसे बढ़िया वाला जो यूज है जो वो है यूज एज अ प्लेसेबो। प्लेसेबो इज नोन एज द सेकंड बेस्ट मेडिसिन ऑफ द होम्योपैथी। अब इन व्हीकल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो
हम तत्वों का क्लासिफिकेशन करते हैं उसी प्रकार व्हीकल का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में है सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल और सेमी सॉलिड व्हीकल। सॉलिड व्हीकल माने जो गन व्हीकल है उसमें क्या क्या आता है, सुगर ऑफ मिल्क, कैन सुगर, ग्रेप सुगर, ग्लोब्यूल्स, कॉर्न्स एंड टैबलेट्स। लिक्विड व्हीकल के अंदर क्या क्या आता है, तो लिक्विड व्हीकल के अंदर आएगा प्योरिफाइड वाटर, अल्कोहल, सॉल्वेंट ईथर, ग्लिसरीन, सिंपल सिरप और ऑयल्स। ऑयल्स के अंदर सारे ऑयल आ जाते हैं, सैंडलवुड ऑयल लाइक ऐसे सब कुछ। उसके अलावा तीसरे हैं सेमी सॉलिड व्हीकल। सेमी सॉलिड व्हीकल के अंदर वैसलीन है, वैसलीन यानी कि सॉफ्ट पैराफिन। दो प्रकार के होते हैं, येलो सॉफ्ट पैराफिन और व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन। इसी के साथ दूसरा जो सेमी सॉलिड व्हीकल है वो है वैक्स। तो वैक्स भी दो तरह के होते हैं, येलो वैक्स और व्हाइट वैक्स। तो ये था व्हीकल का परिचय। आगे के लेक्चर्स में हम व्हीकल आगे देखेंगे, एक एक व्हीकल के ऊपर हम एक एक लेक्चर लेते जाएंगे। व्हीकल के लिए अगर हमें कुछ शायरी में कहना हो तो क्या कह सकते हैं, तो व्हीकल के मुंह से एक शायरी अर्ज किया है, ए दोस्त हमारी तो कोई मंजिल नहीं, ए दोस्त हमारी तो कोई मंजिल नहीं, मगर हम वो शख्स हैं जो हर किसी को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो मित्रों आप सब भी इसी तरह व्हीकल की तरह बनिए और सबको मंजिल पे पहुंचाने का कार्य कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, जी हाँ। और अगर आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट में हमें दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।